Welcome to another episode of Horror Audio Story. While bringing these stories to you, we face a lot of challenges. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी अपना एक दफ़ा हिसार कर लें, क्योंकि जब भी आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, ये चीज़ें भी आप में उतना ही इंटरेस्ट लेती हैं। अगर बेड पे बैठे हैं तो एक दफ़ा बेड के नीचे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इफ़ यू ड्राइविंग टू डू चेक योर बैक सीट वंस। कमरे में अंधेरा है तो लाइट ऑन कर लें और बाथरूम में बैठ कर इसे हर किस नहीं सुनिएगा। आज की स्टोरी हमें जुहा ने कराची से भेजी है। सुहा बताती है कि हमारा जो ये घर है, ये बहुत पुराना घर है। ये किसी दौर में हमारे ताए अब्बू के नाम हुआ करता था और फिर हमारे वालिद साहब ने उनसे ख़रीद लिया। गुलशन इकबाल में ये एक इलाके में मौजूद मकान जो कि काफ़ी पुराना है, और उसकी जो टेरेस है जो रोड साइड को फेस करती है, वो दोनों साइड पे पड़ोस के घरों से मिलती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी है तीनों घरों की टेरेसेस आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। इवन दो उनकी अलग अलग बाउंड्रीज हैं, लेकिन तीनों घरों की टेरेस के बीच में कोई गैप नहीं है। यहाँ तक कि जब हम छोटे थे तो हमारा ये खेल था कि हम एक घर से तीसरे घर की टेरेस तक कूद कूद के भागा करते थे और इन्जॉय करते थे। एक दिन हमारे पड़ोसियों के पास कहीं से एक बिल्ली आ गई। वो असल में एक बिल्ला था जिसके बहुत सारे बाल थे। ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये उस वक्त की है जब मैं और मेरी बहन बहुत छोटे थे। मेरी छोटी बहन उस वक्त 6th grade में पढ़ती थी और मैं 10th की तैयारी कर रही थी, या 10th standard की तैयारी कर रही थी। हमारे बड़े भाई जो कि हमसे एज में बहुत बड़े थे, और हमारे बड़े भाई की पैदाइश के बहुत सालों के बाद मेरी पैदाइश हुई और कुछ सालों के बाद मेरी छोटी बहन की पैदाइश हुई। तो हमारे बड़े भाई जिस वक्त का ये वाक्या है, उस वक्त वो जॉब किया करते थे। ही मस्ट बी 22 और 23। बिल्ली के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा घर के बारे में बता दूं कि हमारा जो घर है वो, जैसा कि मैंने पहले बताया, पुराना है। ऊपर के फ्लोर्स पे हम दोनों बहनों का कमरा था और हमारे भाईजान का कमरा था, और हमारे कमरे की खिड़की टेरेस में खुलती थी। इसी तरह भाईजान के कमरे की एक खिड़की टेरेस में खुलती थी, और खिड़की के ऊपर एक बहुत पुराने स्टाइल का या पुराने स्टाइल की ग्रिल थी जिस पे जाली भी लगी हुई थी, और वो बहुत मज़बूत ग्रिल थी। नीचे के फ्लोर पे अम्मी अब्बू रहा करते थे। लिविंग रूम था, किचन था और ड्राइंग रूम था, और एक गेस्ट रूम भी था। बहुत कम कमरे थे लेकिन बहुत अच्छा घर है। कमिंग बैक टू द कैट, हमारे पड़ोसियों ने कभी कोई पेट नहीं रखा था, लेकिन उनके पास छत पे कबूतर हुआ करते थे। फिर वो सारे कबूतर मर गए थे, तो वो अपने बच्चों के लिए एक बिल्ला लेके आए थे। वो छोटा नहीं था, वो बड़ा था, जैसे पहले शायद किसी ने उसको पाला था। हमारे पड़ोसियों के बच्चे जो कि हमारे भी दोस्त थे, वो टेरेस पे उस बिल्ले के साथ खेलते रहते थे, और वो बिल्ला किसी भी एक्टिविटी में या खेल कूद में पार्टिसिपेट नहीं करता था। ही वुड जस्ट सिट अराउंड एंड डू नथिंग, और बच्चे उसके साथ खेलते रहते थे। हमने कभी बिल्लियाँ नहीं पाली, ना तो मुझे बिल्लियों से डर लगता है और ना ही मुझे इनका शौक है। प्यारे ज़रूर लगते हैं जानवर, लेकिन मे बी आई एम नॉट अ पेट पर्सन, और ना ही तो मुझे ये पता है कि जानवरों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए या उनके गिर्द किस तरह से बिहेव करना चाहिए जिससे वो डरे नहीं। एक दफ़ा रात को जब सब घर वाले सो गए, तो मैं और मेरी बहन अपने कमरे में लेटे हुए बातें कर रहे थे। हल्की हल्की नींद आ रही थी, बस हम सोने ही वाले थे तो अचानक से जैसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, या किसी चीज़ पे कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो मेरी छोटी बहन जिसका बेड खिड़की की साइड पे था, वो घबरा के उसने मुझे पुकारा। मैंने जब खिड़की की तरफ देखा तो पड़ोसियों का बिल्ला हमारी ग्रिल पे, यानी कि हमारी खिड़की की ग्रिल पे बैठा हुआ, और बाहर की तरफ से अंदर देख, चूँकि ग्रिल पे एक बारीक जाली भी लगी हुई थी तो वो बिल्ला अंदर नहीं आ सकता था। वो सिर्फ हमको देख कर हिसहिसा रहा था। शायद यहाँ पे हिस्से आने से मुराद जब बिल्लियाँ किसी को देखकर, अंग्रेज़ी में बोलते हैं हिस करते हैं, या बिल्लियों के उड़ाने का तरीका होता है, शायद ये वो बात कर रहे हैं। वो बिल्ला हमें देखकर हिस्से आ रहा था और
बस वो कमरे में झांके जा रहा था और हमें देख के ऐसे साए जा रहा था। मेरी छोटी बहन बहुत डर गई उसने, क्योंकि वो छोटी थी और भाईजान की बहुत लाडली थी। उसने कमरे में से ही भाईजान को आवाज़ लगाना शुरू की। भाईजान उठ के कमरे में आया, देखा तो बिल्ला वैसे ही खिड़की में बैठा हुआ हमें देख के घुर्रा रहा था। भाईजान कमरे से बाहर निकले और बिल्ली को जाके भगा दिया। वो बिल्ला भाईजान को देखता हुआ वहाँ से चला गया। अभी इस बिल्ली की बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी थी, हमें बहुत डर लगता था उससे। हमने भाईजान को कंप्लेन की तो भाईजान एक दिन पड़ोसियों के पास गए और उनको बोला कि भाई अपना टेरेस का दरवाज़ा बंद रखा करो, इस तरह से आपका बिल्ला हमारी टेरेस पे आ जाता है और फिर बच्चियाँ मेरी छोटी बहनें दोनों डर जाती हैं और वो उनकी खिड़की पे ही बैठता है। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बहुत माजरत की और ऐसे ही किया कि वो अपने टेरेस का दरवाज़ा बंद रखते थे। लेकिन पता नहीं वो बिल्ला कहाँ से निकल के रोज़ाना रात को आ जाता था। हम खिड़की बंद करके सोया करते थे और पर्दे भी डाल लिया करते थे। एक दफ़ा सुबह स्कूल जाते हुए, क्योंकि हमारा स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैं अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ कर स्कूल जाया करती थी। हम स्कूल जा रहे थे तो मेरी छोटी बहन बार बार घूम के पीछे देख रही थी। मैंने पूछा क्या देख रही हो, तो मुझे कहती है आप ही। उसने अपने दाएं हाथ से पीछे की तरफ इशारा किया। मेरा टर्न अराउंड तो वो बिल्ला एक डिस्टेंस से हमारे पीछे आ रहा था। मैं देख के मैं थोड़ी सी घबरा शायद कोई और बिल्ली हो, लेकिन ये वही बिल्ला था। वैसे ही काला, बहुत सारे बाल, साइज में थोड़ा सा बड़ा, और बस वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। आप यकीन करें कि उस दिन हद यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि व्हेन आई वाज सिटिंग इन माय क्लासरूम, मैंने खिड़की से बाहर देखा अपनी क्लासरूम के, तो स्कूल की बाउंड्री वॉल पे वो बिल्ला बैठा हुआ मुझे ही देख रहा था। सब कुछ बहुत ज़्यादा होने लगा, यहाँ तक कि एक दफ़ा हम अम्मा के साथ ताइक रोड शॉपिंग करने गए थे। हम दोनों बहनों ने उस बिल्ले को वहाँ पे भी देखा। अपनी अम्मा को बताया तो अम्मा ने डांट के चुप करा दिया कि कराची में बहुत बिल्लियाँ होती हैं, किसी का भी बिल्ला या बिल्ली हो सकते हैं। ये अब रोज़ाना का मामूल बन गया था कि वो हमें लिटरली स्टॉक करता था। एक दिन संडे का दिन था, अम्मा ने हम दोनों बहनों को नीचे से आवाज़ लगाई। हमने कहा शायद अम्मा ने नाश्ते में कुछ बहुत मज़े का पकाया है, तो हम भागते हुए नीचे गए। जाके देखा तो अब्बा हमारे घर के दरवाजे पे खड़े हुए थे। हमारे घर के दरवाजे से बाहर सहन था, लॉन था और फिर पार्किंग लॉट था और फिर घर की बाउंड्री थी। हमने देखा कि हमारे घर के दरवाजे के बाहर यानी कि बिल्डिंग की एंट्रेंस पे एक सफ़ेद बहुत ही हसीन बिल्ली बैठी हुई है और वो हमें देख के म्याऊं म्याऊं कर रही है। अब्बा को भी देख के म्याऊं म्याऊं कर रही है। वो बहुत प्यारा था, उसका नाम हमने शेरू रखा। मैंने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। भाईजान उसको प्यार करते रहते थे और मेरी छोटी बहन कभी कभी उसकी दुम पे प्यार करती थी। शेरू शायद किसी के घर का बिल्ला था, ना वो अंदर आ रहा था ना वो कहीं जा रहा था। अम्मा ने एक कटोरी में उसको दूध पिलाया, जनाब ने दूध पिया और घर के अंदर आ गए। फिर अब वो घर में सब जगह घूमते थे। शेरू की ये रूटीन थी कि वो कभी घर में होते थे, कभी बाहर लॉन में, कभी दीवारों पे, इधर उधर वो घूमा करते थे। कोई एक जगह नहीं थी जहाँ वो कभी बैठे। एक बहुत अजीब बात थी, जब से शेरू हमारे घर में आया था, पड़ोसियों का बिरला कभी भी हमारी खिड़की पे नहीं आया। हम बहनें भी यही मजाक उड़ाती थी कि शायद शेरू से डर गया। एक रात मैं और मेरी बहन सो रहे थे तो हमें जैसे दो बिल्लियों के चीखने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। हम उठ के कमरे से बाहर निकले तो बिल्लियों के चीखने की आवाज़ टेरेस से आ रही थी। वो चीखने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि हमने शायद कभी ऐसी आवाज़ ना सुनी हो। हमने टेरेस का दरवाज़ा खोला तो राइट साइड पे दीवार थी और फिर थोड़ा आगे जाके टेरेस नज़र आती थी। आवाज़ दाएं साइड से आ रही थी, आवाज़ दाएं हाथ से आ रही थी जहाँ पे हमारे पड़ोसियों का घर और उनकी टेरेस हमारी टेरेस से मिलती। उसके बाद जो हमने देखा, हमें नहीं समझ आता कि वो हमने क्या देखा था। शेरू हमारी साइड की टेरेस वाली वॉल पे बैठा हुआ था, पड़ोसियों की टेरेस की वॉल पे
उनका काला बिल्ला बैठा हुआ था, लेकिन शेरू अपने साइज से बहुत बड़ा था। उसके हाथ लंबे थे जैसे इंसानों के होते हैं, उंगलियां भी थीं, पैर भी बिल्कुल इंसानों जैसे, लेकिन उसका वाइट फर और उसकी शक्ल और दुम बिल्कुल शेरू जैसी, यानी कि बिल्ली नुमा इंसान के साइज का कुछ हमारी दीवार पे बैठा हुआ था। मेरी छोटी बहन ने डर के आवाज़ लगाई, शेरू। जब शेरू ने घूम के हमारी तरफ देखा तो वो बिल्कुल शेरू की शक्ल ही थी। उसने हमें देखा और एकदम से नीचे छलांग लगाई और गायब हो गया। उसके बाद हमने शेरू को कभी नहीं देखा। और बहुत अजीब बात यह है कि उसके बाद पड़ोसियों का वो काला बिल्ला भी कभी नजर नहीं आया। ये थी आज की स्टोरी। टिल नेक्स्ट स्टोरी, अल्लाह हाफिज़।